हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अभी जो है थोड़ा बहुत काम वाम हो चुके हैं और रियांश जो है सो चुका है। अभी रितू को छोड़ने जाना है ट्यूशन, क्योंकि उसके ट्यूशन आज जो है 2 बजे की है और डेली जो है 12 की होती है। तो अभी मैं उसको छोड़ने के लिए जाऊँगी। चलो बोलो कुछ। हम जा रहे हैं रितु को छोड़ने के लिए ट्यूशन। रियांश अकेला है घर पे। ऐसे तो मैं कभी कभार छोड़ के जाती हूँ उसको अगर सोया होता है, क्योंकि वो तुरंत उठता नहीं है जल्दी। अगर वो सोता है तो 2-3 घंटे सोता है तो, लेकिन थोड़ा डर लगता है क्योंकि उठने के बाद शांत नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करेगा। जा रहे हैं रितु को छोड़ने के लिए ट्यूशन। रियांश घर पे अकेला ही है। काका गेली थी तो रितु छू के साथ चली गई है और मैं निकल चुके यहाँ से घर पे जा रही हूँ। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ करेले की सब्जी। आप बोलते होगे जब देखो तब करेले की सब्जी की ही रेसिपी दिखाती रहती है। ये जो है मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से बनाया था, मतलब इससे जो है करेले कड़वे नहीं लगते। एक बात याद रखना कि जब भी आप करेले बनाते हो ना, तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर पानी डालते हैं हम तो पता नहीं क्यों करेले बहुत ज़्यादा कड़वे लगने लगते हैं। तो मैंने इस बार जो है करेले को बॉईल करके बनाया था, इसलिए जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी लग रहे थे, मैंने पहले भी बनाया था तभी बहुत टेस्टी लगे थे, इसलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ले लिए है तेल, और जो है इसमें मैंने प्याज, एक प्याज काटा है और एक टमाटर लिया है। और अभी मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और प्याज को अच्छे से परत लेना है, और जब ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए उसमें हमें टमाटर डालना है। उसके बाद हमें तुरंत नमक डालना है। तुरंत नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी से गल जाता है। ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, और मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच मिर्ची का पाउडर, और 1/2 चम्मच जो है धना पाउडर ले रही हूँ मैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, जो बॉईल करके रखे हैं, जो उबाल के हमने करेले रखे हैं वो इसमें डालने हैं, और उसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। जब हमारा करेला अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए तो फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और इसे स्टीम 1-5 मिनट पकाना है, और बीच बीच में एक बार चेक कर लेना है कि ये चिपके ना नीचे। जब हमारा करेला अच्छे से पक जाए तो फिर हमें इसे एक बार चेक कर लेना है कि ये पका है या नहीं है। और जब ये पक जाए अच्छे से, इसमें जो है 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके ऊपर प्लेट रख देनी है और इसे 1 से 2 मिनट तक स्टीम में पकाना है धीमे आंच पे। यहाँ पे हमारे करेले की भाजी बन चुकी है। तो अभी रियांश उठ चुका है और इसका वही जो है रोना धोना स्टार्ट हो गया है, और अभी जो है उसको निलाना है। रियांश ने नानू नानू कर लिए, नानू नानू कर लिए रियांश ने। क्या भाई जी दीदी कच्चा? दीदी मला रहे थे ना चूसने थी 4 बजे आया मैं तो। रियांश, तो आज हमने खाने में क्या बनाया है? आज हमने बनाया है करेले की सब्जी और जो है चपाती
और राइस, और फिर उनकी आमटी, गार्लिक आमटी के नहीं, लहसुन की आमटी। का है फाइनली टीवी रिपेयर करने वाले भैया आ गए हैं और ये जो है टीवी लेके जा रहे हैं उनके साथ और वो इनका जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे ही जाके रिपेयर करेंगे। हमने 1 से 2 महीने वेट किया, ना ही ये कॉल रिसीव कर रहे थे ना ही कुछ रिस्पांस दे रहे थे, बट आज ये बिना कॉल करे ही आ गए हैं और जो है टीवी लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला 1 दिन में रिटर्न कर दूंगा, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेंगे, 1 दिन लगेंगे या पता नहीं और 1-2 महीने लगेंगे। एटलीस्ट बोलना चाहिए कि बाबा इतना टाइम लग रहा है, ऐसे हम कितना कॉल किया, मैंने तो आपको 3-4 नंबर से कॉल किया था तो भी आपने रिसीव नहीं किया कॉल, एक भी कॉल रिसीव नहीं। नहीं मुझे आपने बोला था मैं आ रहा हूँ करके, मीन्स यहाँ से जाऊंगा तो आके जाऊंगा ऐसे करके। ये मैंने कपड़े निकाल के रखे बट घड़ी करना है मुझे, बट मैंने किया नहीं क्योंकि खाना बनाना था, इसलिए मैं खाना बनाने के लिए लग गई। और जो है हमने ये ओवी का टीवी लिया था, हमें कुछ 9,500 में पड़ा था, नया कंपनी है ओवी, इन्होंने 1 साल का वारंटी दिया था और जो भी 1 साल के अंदर ही ये जो है टीवी खराब, मतलब इसके जो लाइट्स होते हैं वो खराब हो गए थे, तो इन्होंने बोला कि हम उसमें ही आपको वारंटी में ही रिपेयर करके देंगे। अभी जो है नया कंपनी है, चलो देखते हैं, सस्ता भी मिल रहा है इसलिए ले लिया था, बट ये जो ऐसे प्रॉब्लम हो गया टीवी की।